मैं भी अपने भाई के साथ तस्वीर खिंचवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या हाल है आपका? क्या कहेंगे बल्ला की इंतखाबात के हवाले से? अभी हम तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस वक्त टाइम होगा बिल्कुल उसकी पूरी तैयारी करेंगे। और काफ लीग के जो तहफ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के भी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं, और मैं चौधरी साहब से मिलने आया हूँ क्योंकि हमारे बहुत मोहतरे में हैं, उनको मिलने आया हूँ। तो सर मना लेंगे उनको, चौधरी साहब को मना लेंगे जो तहफ़ुज़ात हैं? मना लें क्योंकि बात रही है, हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे मोहतरम हैं। अच्छा लास्ट में बता दीजिएगा, जो पीएम साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है तंजीम साजी की, तो क्या टीयर्स बनाई गई हैं? अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी मुशावरत हो रही है और जब वज़ीर आज़म चेयरमैन पार्टी के जो है वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक जल्दी हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने 5 जनवरी को पंजाब में आने का और सफाई करने का और तहरीक जो है ना वो उसका ऐलान किया है कि 5 जनवरी को हम हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर यहाँ पर तहरीक करेंगे और घर भेजेंगे। आसिफ जरदारी को तो जेल में होना चाहिए, वो तरीके क्या चलाएगा जो लूट मार की है, तो जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ नूली कहती है कि जैसे ही नवाज शरीफ की वापसी का सुना है हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई। वो वापस आके देखें, फिर देखते हैं किसकी टांगे कांपती है। प्रोटोकॉल देंगे नवाज शरीफ को?